दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लकीज कॉर्नर। दोस्तों, दिवाली आ गया है और दिवाली में हम बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं, जिसमें से मुझे बहुत ही पसंद है बेसन का लड्डू। और ये जो तरीका है बिल्कुल आसान तरीका है। चलो तो हम लोग बनाते हैं बेसन का लड्डू। बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले कढ़ाई रखेंगे गैस पे, और उसमें मैं घी डालूँगी। यहाँ पे मैंने एक कटोरी घी लिया है। जिस कटोरी से आप ले रहे हैं घी, उसी कटोरी से सारे मेजरमेंट लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने एक कटोरी घी लिया है इसमें, और सेम कटोरी से मैंने ढाई कटोरी से ज़्यादा बेसन लिया है। इसको हम लोग स्लो फ्लेम पे धीरे धीरे भूनेंगे, स्लो और मीडियम फ्लेम पे। करीब 20-25 मिनट भुनना है हम लोगों को। हम लोग यहाँ पे स्लो फ्लेम पे भूनते रहेंगे। इसमें हम लोग सिर्फ एक चम्मच रवा ऐड करेंगे। वैसे ही 20-25 मिनट हम लोगों को भूनना है। इसका बिल्कुल कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर हो जाएगा। ये देखिए, ये हम लोग भून रहे हैं। थोड़ी देर में इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये देखिए, 20 मिनट हो गया है और ये कलर बिल्कुल चेंज हो गया इसका। अब हम लोग सिर्फ 5 मिनट और भूनेंगे स्लो फ्लेम पे। अब फ्लेम है ना, फास्ट नहीं करना है, क्योंकि बिल्कुल डार्क कलर हो जाएगा इसका। हल्का सा और भूनना है, और उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे शक्कर पाउडर। ये बिल्कुल इजी वे है बेसन का लड्डू बनाने का, आसान तरीका। बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत टेस्टी लगता है। मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये बेसन का लड्डू। मैं हर साल दिवाली में ये ज़रूर बनाती हूँ। ये देखिए, हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी शक्कर पाउडर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक कटोरी से थोड़ा कम शक्कर पाउडर, लेकिन अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो फुल एक कटोरी ले लीजिए। और इसको अच्छे से मिक्स करना है और गैस के फ्लेम को बंद कर देना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसमें अब हम लोग मिक्स करेंगे इलायची पाउडर। ये रहे इलायची पाउडर, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब इसको हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। ये मैंने पूरी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसको ठंडा कर लेंगे, फिर हम लोग इसकी लड्डू बना लेंगे। ये हम लोगों ने जो बेसन भुना था वो बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब इसको हम लोग हाथों से ऐसे मिक्स करके इसका हम लोग छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे ऐसे। ऐसे इसको हम लोग को लड्डू बनाना है। जब ठंडा होए तो ही बनाइए, गर्म में बिल्कुल मत बनाइएगा। ऐसे ऐसे करके हम लोग सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, हम लोगों का लड्डू रेडी हो गया है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। मैंने यहाँ पे बादाम को छोटा छोटा काट के लिया है, जिससे डेकोरेट करने के लिए। आप इसमें किशमिश भी लगा सकते हो। कैसे, ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए, उसको प्रेस कर दीजिए ऐसे। ये ऐसे और ऐसे ही ये कंप्लीट हो गया हम लोग का लड्डू। ये बहुत ही इजी वे है लड्डू बनाने का, बेसन का लड्डू, और बहुत ही टेस्टी लगता है ये। आप भी इस दिवाली इस तरीके से लड्डू बना के त्योहारों का मज़ा लीजिए।
और मुझे बताइए कि आपको ये मेरा तरीका कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिए।